इस आदमी को लगभग सभी लोग पहचानते हैं, यति नरसिम्हानंद इसका नाम है और ये एक कट्टरपंथी है। कितना खौफ है, कितना डर है इसके अंदर, पता नहीं इसको कैसे नींद आती होगी। और ये उस डर से परेशान है और अपने अंदर जो गलत चीज़ें पैदा करके बैठा हुआ है अपने दिमाग में, उससे दूसरे लोगों को कैसा डराता है आप देखें। और ये वीडियो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, लेकिन सरकार में ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का बूता नहीं है। पहले इसको सुने थोड़ा सा। लड़ाई जो जीतनी है वो इस्लाम के जिहाद से है। इस्लाम के जिहाद से लड़ने के लिए खड़े होइए। इस्लाम का जिहाद पूरी मानवता का, पूरी धरती का कैंसर है। पहले एक समस्या से बचे तो हम दूसरी के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम इसी एक समस्या से नहीं लड़ पाए तो और किसी समस्या से लड़ पाएंगे, इसकी कल्पना भी करना व्यर्थ है। महाकाली की अवधारणा क्या है? एक ऐसी माँ जब उसकी संतान खतरे में हो तो वो न केवल दुश्मनों के सर को काट दे, बल्कि आवश्यकता पड़े तो उनके सरों से निकलते हुए खून को भी पी जाए। हर घर, हर मोहल्ला अफगानिस्तान बनेगा, हर शहर पाकिस्तान बनेगा। सुनते रहे वाहियात किस्म के इंसान की बातें। वे जीवित किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए जी, आपका कोई भी नेता हो, आपका नेता कितना ही अच्छा हो, लेकिन एक बात मेरी लिख कर रखना। लिख लो सब लोग। अब पूरी दुनिया में इस्लाम इतना ताकतवर हो चुका है कि दुनिया के हर आदमी के घर के सामने एक दिन इस्लाम के जिहादियों की हजारों लाखों की भीड़ खड़ी होगी। और उस दिन कोई पुलिस, कोई प्रशासन, कोई नेता तुम्हें बचाने नहीं आएगा जी। अगर तुम्हारे घर में, तुम्हारी आसपास के मोहल्ले में उनसे बचने की क्षमता है, उनका प्रतिकार करने की क्षमता है, तो तुम जीवित रहोगे, वरना वो तुम्हें मार देंगे, सबको मार देंगे। अब ये अन्य शरीर लोगों को भयभीत कर रहा है, डरा रहा है कि मुसलमानों से आप सचेत हो जाएं और मुसलमानों से लड़ने की तैयारी कर लें। उस तैयारी में क्या क्या बताता है इसको सुने। और ये डोंगरी इलाके डोंग हैं, जो फिल्म आई थी टहलका ओम शोम शामो शाशा, तो ये वो डोंगरीला वाला डोंग है, सुने। और उनके एक बार आने के बाद ये मत समझना कि आप सुरक्षित हो गए जी। एक बार हार कर जाएंगे फिर आएंगे, वो दोबारा आएंगे। हाँ, दोबारा भी हार कर जाएंगे, वो तिबारा 1100-1200 साल के बाद भी। मैं हूँ तो सजने भी दिमाग से नहीं निकला है। आपको हर बार जीतना है, हर बार। जिस बार आप हारेंगे उसी बार आपके घर की औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार करके। इस बेहुदा किस्म के इंसान के मुंह से देखें आप कितने गंदे अल्फाज निकल रहे हैं। मुसलमानों को किस किस लेवल पर जाकर के ये इंसान डिफेम कर रहा है। वो आपकी घर की औरतों को या तो मंडियों में बेच देंगे या अपनी रखेल बना लेंगे। अब ये ऐसे वो लोग हैं जो जहालत में पले बड़े हैं और जहालत में ही इनका खात्मा होगा। और लोगों को ये खाली दिमाग बनाने की कोशिश करते हैं, उनको ह्यूमन बॉम्ब बनाने की कोशिश करते हैं। आपका और आपके बच्चों का कत्ल कर देंगे जी, आपकी धन संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे, घर को लूट लेंगे। मुसलमानों के पास कोई काम ही नहीं है, दूसरों की संपत्ति लूटना, दूसरों के मकान गिरा देना, दूसरों की इबादत गाहों को गिरा देना, उन पर कब्जा कर लेना, भव्य दिव्य विशाल विराट अपनी प्रतीक खड़े कर लेना, यही काम बाकी रह गया ना मुसलमानों के पास। और आपके जो देवस्थान होंगे उनको तोड़कर अपनी मस्जिद बना देंगे जी, जैसे मस्जिद तोड़ करके कुछ और बन रहे जाते हैं उस तरह से। और ये मेरी बात इतनी सत्य है
जितना सत्य ये है कि सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिप जाता है। ईश्वरीय वाणी है, जो कुछ ये बोल रहा है वो बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित है, किसी तरह की इसमें कोई गलती नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ ये इतना सत्य है, इतना ये सत्य है कि हर रात के बाद दिन निकलता है और दिन के बाद रात आती है। कोई समय पिछले 1000 साल में ऐसा नहीं था जब इस्लाम के जिहादी देश के किसी न किसी कोने में मंदिर ना तोड़ रहे हो, बहन बेटियों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार ना कर रहे हो और हमारा कत्ल ना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इस्लाम तो एक गिरोह है। इस्लाम इसकी गंदी जबान से आप सुने मुसलमानों के और इस्लाम के बारे में इसके दिल में कितनी नफरत भरी हुई है। गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, एक माफिया, दुनिया का सबसे ताकतवर माफिया था ये हमेशा। आरएसएस को बताना चाहिए आरएसएस क्या है, और जहाँ ये जिनसे ये शिक्षा लेते हैं वो क्या है। इस्लाम के बारे में तो दुनिया जानती है, वो तो खुला एक मजहब है। उस मजहब के बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छिपी हुई हो, किताबों में लिखी हुई है और सामने मौजूद है, कोई भी उनको पढ़ करके जान सकता है और लोग पढ़ते हैं जानते हैं। लेकिन चूंकि ये अज्ञानी लोग हैं जिन्होंने कभी भला इंसान बनने की कोशिश नहीं की और अपनी भी किताबें धर्म की इन्होंने जो पढ़ी हैं उन पर भी अमल नहीं किया है, वहाँ भी शांति मोहब्बत भाईचारा ये सब सिखाते हैं, तो ये उनसे भी बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। इस्लाम का तो इन्होंने कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की है। जी, इसके अलावा इनकी कोई पहचान नहीं थी पूरी दुनिया में, लेकिन ये लुटेरों के गिरोह यहाँ आकर हमें खत्म करकर हमारी बहन बेटियों की मंडी लगाते रहे, हमारे मंदिरों को तोड़ते रहे, हम पर शासन करते रहे। पहले मन में ये संकल्प करिए कि हम जितनी जल्दी हो सके एक ऐसा सनातन वैदिक राष्ट्र बनाएंगे जहाँ एक भी मस्जिद नहीं होगी। अब आगे अपने असली मुद्दे पर, ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जहाँ मस्जिद नहीं होगी, कोई मुसलमान नहीं होगा, जहाँ पर झटका होगा, हराम खाना जायज़ होगा, चोरी करना कानूनी होगा, डकैती डालना कानूनी होगा, किसी का माल हड़प कर लेना कानूनी होगा, सब कुछ वो इनके अपने तरीके से चले, किसी की भी धन दौलत स्त्री पुरुष जैसे पहले हज़ारों साल पहले हुआ करता था, ताकतवर उसको कब्जा कर लेता था, तो इस तरह का एक बनाना है। और सुन ले, जहाँ एक भी मदरसा नहीं होगा, जी, जहाँ एक भी जिहादी नहीं होगा। जिहाद तो आप कर नहीं सकते, आपके बस का नहीं है, क्योंकि जिहाद करने के लिए इंसान को सच बोलना जरूरी है। जिहाद करने के लिए इंसान को पाक साफ होना और दिल में उसके मोहब्बत होना जरूरी है। मोहब्बत के बिना जिहाद नहीं हो सकता है, नफ़रत से जिहाद नहीं होता है। तो जिहाद करने के लिए मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत तुम्हारे पास है नहीं, और मस्जिदें मदरसे ये इनकी तुम्हें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तुम पढ़ लिखने के बाद भी अगर पढ़े लिखे भी हो तो तुम बिल्कुल कोरे हो, गंवार हो, तो तुम मदरसे में जा कर के या स्कूल कॉलेज में जा कर के बच्चों को खराबी करोगे। और जहाँ अल्लाह अकबर का नाम लेने वालों को फांसी दी जाएगी। हाँ, ऐसा देश बनाएगा ये व्यक्ति जहाँ अल्लाह अकबर यानी अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा नहीं है ये बड़ा है, इसको इसी को बड़ा मान लो, सबसे पहले ये मान लो इसको, इसको खुद घोषित कर देना चाहिए आई एम द गॉड। अल्लाह बड़ा नहीं है, ठीक है, भगवान या गॉड इज नॉट ग्रेट, दिस मैन इज ग्रेट। ऐसा एक रास्ते बनाइए। हाँ। और ये नियम तय करिए, दुनिया का कोई भी धर्म जो सुविधाएं हमें अपने देश में देगा वो हम देंगे, उसके नागरिकों को हम अपने देश में उसके नागरिकों को। अब ये कैसे तय होगा, जो भारत में क्रिश्चियन है, सिख्स है, जैन है, बुद्धिस्ट है, तो वो अब जैसे चाइना है, जापान है, ये तो सब बुद्धिस्ट देश हैं, कोरिया वगैरह, तो भारत से तो शुरू हुआ है बुद्धिस्ट, तो चाइना में जो नागरिक सहूलतें मिल रही हैं नागरिकों को, वो भारत ये दे सकेंगे?
या जापान में बुद्धिस्ट को जो सहूलतें मिल रही हैं ये दे सकेंगे। क्रिश्चियंस को अमेरिका, इंग्लैंड, फिनलैंड, हॉलैंड, नीदरलैंड, वहाँ पर जो सहूलतें मिल रही हैं, जर्मनी में, स्पेन में, वो ये दे सकेंगे। इनका सूरत दिखाई दे रही है सी सनातन वैदिक राष्ट्र में वही सुविधाएं उतनी ही आजादी देंगे। सऊदी अरब में हिंदुओं को जितनी आजादी है उतनी ही आजादी भारत में रहने वाले, सनातन वैदिक राष्ट्र में रहने वाले हर मुसलमान को मिलनी चाहिए। अमेरिका में जितनी आजादी हम हमें क्रिश्चियन देते हैं क्रिश्चियन कंट्रियों में, उतनी आजादी हम क्रिश्चियनों को यहां देंगे। इस आधार पर एक राष्ट्र बनाइए, बिना एक राष्ट्र के अब हम बच नहीं सकते और भारत तुम्हारा राष्ट्र पूरा नहीं हो सकता भाई। नहीं जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस्लाम की आबादी इतनी बढ़ गई है। अगर हम ये कहते रहे कि नेताओं से हम हिंदू राष्ट्र बनवा लेंगे जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो ये समझिए 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। और ये चमत्कार यदि बहुत लंबा रुक, अशोक सिंघल, गिरिराज सिंह, विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी, ये सब ऐसे ही खौफ दिखाते रहे कि अब 2014 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा, कोई कहता था 2015 बन जाएगा, कोई अलग बातें, अब ये कह रहे हैं 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। अब न तो इनको आंकड़ों की जानकारी है, न जनसंख्या की पता है, न और चीज़ों की, बस इनको डर दिखाना है और लोगों को जो हिंदुत्ववादी हैं उनको डराना है कि देखो ये जो मुसलमान हैं ये बड़े खूंखार हैं और ये भारत के रहने वाले नहीं हैं, सब विदेशी हैं और इन ये तुम्हारे दुश्मन हैं, इन्हें पहचान लो अच्छी तरह से। प्रधानमंत्री पहचान बता चुके हैं कि कैसे पहचानते हैं, तो उसी तरह से पहचान लो और इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। भाले, बर्छे, तलवारें, जो भी कुछ है वो सब पहने करके रख लो और मुसलमानों का नरसंहार करना शुरू करो। और सुने इसका गया। कोई दैवीय कृपा हो गई तो 34 तक रुकेगा, 34 के बाद तो इसे कोई नहीं रोक सकता। ना बिल्कुल नहीं। और एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना थी। तो ये लिख कर रखिए कि केवल 20 साल में वो 40% हिंदू मर्दों का कत्ल कर देंगे। 40% 50% हिंदू मर्द जो जीवित रहेंगे अपनी मर्जी से किसी कारण से वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे। 10% हिंदू बचेंगे वो या तो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। और सारी औरतों की एक ही नियति होगी जी। सारी औरतों की एक ही नियति होगी। इस्लाम के जिहादी सामूहिक बलात्कार करके या तो उन्हें मंडियों में बेच देंगे या अपनी रखेल बना लेंगे। इससे पहले भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बने, अपने लिए एक इजराइल जैसी ताकत, एक ये देखें असली मुद्दे ये हैं, अपने लिए इजराइल जैसी ताकत। तो ये जो माफियाओं का, अपराधियों का एक नेक्सस बना हुआ है और जो लोग हैं जो समाज में दहशत फैलाते हैं, कौन, ये अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का गैंग बना हुआ है और ये उसके सब मेंबर हैं। जो इस तरह के कट्टरपंथी हैं ये उसके मेंबर हैं। उसमें इसराइलियन माफिया है, मैक्सिकन माफिया है, यहूदी माफिया है और इनके भी अपने जो पेरेंटल गैंग्स हैं वो शामिल हैं। इजराइल जैसा देश खड़ा कर लीजिए, इसराइल कुछ भी नहीं बचने वाला। इसराइल में तो कुछ बचने वाला वैसे भी नहीं है। इसराइल का क्यों आश्रय, इसराइल के जैसा भारत को क्यों बनाना चाहते हो? हमास ने इसराइल का हवा निकाल दिया, धुआं निकाल रखा है उसका और कुछ सालों का और है अगर है तो फिर क्या होगा। बहुत दिनों के बाद एक अच्छी फिल्म एनिमल के नाम से आई है जी। अब एनिमल को देख भी सकते हैं आप, सामने आपके तस्वीर में मौजूद है। बहुत सारे लोग कहेंगे देखो बाबा कैसी फिल्म की तारीफ कर रहा है। फिल्म में क्योंकि फिल्म है वो कोई आध्यात्मिक साहित्य तो है नहीं, तो फिल्म में ऐसी भी बातें दिखाई है जो विशुद्धतावादियों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन उस फिल्म का एक संदेश है गला काटने का। एक परिवार का एक भाई हिंदू रह गया और एक भाई मुसलमान बन गया। अब जो हिंदू रह गया उसकी दो बेटी है और
बेटा है, और जो मुसलमान बन गया उसके कितनी बीवियां कितने बच्चे हैं इसे गिना नहीं जा सकता। और फिल्म ये तय करती है कि जो हिंदू है वो ये चाहता है, हिंदू लड़का जो है वो ये चाहता है कि अपने धन दंपत्ति को अपने कजिनों से बांट ले ताकि उसके कजिन लड़ाई को छोड़ दे, चचेरे भाई जो मुसलमान बन चुके हैं। लेकिन जो मुसलमान बन चुके हैं उनका केवल एक लक्ष्य है, उनका लक्ष्य है अपने चाचा के बेटे का कत्ल करना और सारी संपत्ति को कब्जा लेना। और यही कहानी आज पूरी दुनिया में हो रही है। तो इससे लड़ने का केवल एक ही तरीका है जो उस फिल्म में दिखाया गया है कि वो आते रहेंगे, आप मारते रहो। आप लोगों की समझ में आई गई होगी पूरी कहानी, एनिमल की कहानी, एनिमल की जबानी। ये वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर वायरल है। वीडियो पोस्ट किया हुआ है वसीम अकरम त्यागी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वहीं से हमने ये हासिल किया है। जो बातें इसमें कही गई हैं आप उस पर तवज्जो न दें। समाज मोहब्बत से चलता है, प्यार मोहब्बत से चलता है, एक दूसरे भाईचारे से चलता है, एक दूसरे से मिलने मिलाने से चलता है, एक दूसरे के दुख तकलीफ़ों में शामिल होने से चलता है। बंटवारा नहीं किया सकता कभी भी इस दुनिया में, ज़मीन का नहीं किया सकता। मुल्कों की सरहदें मौजूद हैं लेकिन लोग फिर भी एक दूसरे से हमदर्दी रखते हैं। नेपाल में भूकंप आ रहा था, भारत से राहत सामग्री भेजी जाती है। तुर्की में भूकंप आता है, भारत से सामग्री भेजी जाती है। इसी तरह से भारत के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो विदेशों से राहत आती है। तो समाज जो है, दुनिया जो है, एक दूसरे के कोऑपरेशन से, एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे की मोहब्बत से चलती है, ऐसे तरीक़ों से नहीं चलती जिस तरह की ये साहब बता रहे हैं। ये बांटने की कोशिश करने वाले लोग हैं और लड़ाने वाले लोग हैं। समाज को डर दहशत दिखा करके अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने वाले लोग हैं। इनसे बचें, दूर रहें। शुक्रिया आप सभी का।